जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बैठेंगे, मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। जो आंदोलन जीवी है वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे? मोदी जी, गर्व से कहता हूँ आंदोलन जीवी हूँ। मोदी की मानेंगे किसान और आंदोलन जीवियों पर है कितना संग्राम, इस पर हम डिबेट की करें शुरुआत। उससे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ गई है, लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। 26 जनवरी से ही फरार चल रहा था दीप सिद्धू पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली कोर्ट में दीप सिद्धू की थोड़ी देर के बाद में पेशी होने वाली है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यह है, दीप सिद्धू इतने दिन तक कहां पर रहा? दीप सिद्धू को आखिरकार कितने लोगों ने सरपरस्ती दी है? क्या दीप सिद्धू कभी 26 जनवरी के बाद सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर गया या फिर नहीं? दीप सिद्धू कितने किसान नेताओं के साथ कनेक्शन में है और कितनों के साथ कॉन्टैक्ट में रहा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब दीप सिद्धू के जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उसे खंगाल रही है। दीप सिद्धू की उस गर्लफ्रेंड का भी पता लगाया जाएगा जो विदेश में बैठ करके दीप सिद्धू के अलग अलग वीडियोज अपलोड करती रही है। लेकिन दीप का दंगा कनेक्शन क्या है ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन दीप सिद्धू कौन है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएं, दीप सिद्धू के बारे में पूरा आप जानें। दीप सिद्धू जिसका जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर में हुआ, दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की, कुछ दिन बार का मेंबर भी रहा। दीप सिद्धू किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीत चुका है, दीप सिद्धू यानी मॉडलिंग कर चुका है। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई, 2018 में आई फिल्म जोरादास नुम्बरिया से मशहूर हुआ, 2019 में सनी देओल के लोकसभा चुनाव कैंपेन का रहा हिस्सा। सनी देओल ने कहा दीप से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है, ये कहते हुए सनी देओल ने ट्वीट भी किया था। लेकिन दीप सिद्धू की तलाश की जा रही थी 26 जनवरी लाल किला कांड को लेकर के, लेकिन दीप का दंगा कनेक्शन क्या है अगला इंफोग्राफिक आपको यही बताएगा। देखें आप, 25 सितंबर 2020 को कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तब शंभू बॉर्डर यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था। दीप सिद्धू ने भी तभी किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला किया, इसके बाद दीप ने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी किसानों की समस्या उठाई, इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध किया। दीप सिद्धू को कई किसानों ने आरएसएस और बीजेपी का एजेंट तक भी करा दिया है। ये दीप सिद्धू का कुल मिला जुला करके अभी तक दंगा कनेक्शन जो भी हमने आ रहा है इसके बारे में हमने आपको बताया है। ग्राउंड जीरो चलते हैं, सब्यसाची के पास में लीगल ओपिनियन लेंगे हम, एडवोकेट निशा बंत भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले सब्यसाची आपके पास आते हुए, 26 जनवरी से लेकर के अभी तक दीप सिद्धू कहां पर रहा, कितने किसान नेताओं के संपर्क में है, क्या कभी बॉर्डर गया या फिर नहीं गया, दीप सिद्धू के वेयर अबाउट्स के बारे में कैसे पता चला, क्या कोई टिप ऑफ मिला था, कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो डीसीपी है संजीव यादव, उनको टिप मिली थी और उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जितने सारे नाम 26 जनवरी के आए थे उन सारे नामों को खोज कर रही थी ये स्पेशल सेल की यूनिट, और डीसीपी संजीव यादव लीड कर रहे थे और उन्होंने गिरफ्तार किया है दीप सिद्धू को। हालांकि ये नहीं कहा है कि कौन सा वो राज्य है जहां से उन्होंने दीप सिद्धू को अरेस्ट किया है, हालांकि ये सिर्फ कहा है कि अलग अलग राज्यों में दीप सिद्धू की खोज चल रही थी। लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एक्टिव रही है, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, ट्विटर हैंडल हो, लगातार उनके फोन ट्रेस किए जा रहे थे, उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके फोन ट्रेस किए जा रहे थे लोकेशन के लिए, और आज थोड़ी देर में उनको दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार हम कोशिश करें कि दिल्ली स्पेशल सेल से और बाकी जानकारी मिले कि कितने बजे गिरफ्तारी हुई, वो कौन सी हालत है जहां पे उन्होंने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया, हालांकि इतनी डिटेल्स मिल पाई है अभी तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से। क्या कुछ पता चल पाया है दीप सिद्धू के बारे में? ये कहा जा रहा था सब्यसाची कि दीप सिद्धू के एक गर्लफ्रेंड है विदेश में बैठी हुई है, जितने भी वीडियोस है ना दीप सिद्धू के यही गर्लफ्रेंड अपलोड करती रही है। क्या दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला है, ये कहां पर रही है इसके बारे में कुछ पता चला है, इतने दिन कहां पर रहा और क्या कुछ जो माइन्यूट डिटेल्स हैं आपको अभी हाथ लगी हैं? देखिए, दीप सिद्धू जो है उनके जो एक्स गर्लफ्रेंड है ये कैलिफोर्निया में है, यूएस में रह, लगातार पूरे किसान आंदोलन के दौरान ये उनके संपर्क में थे और जितने सारे दीप सिद्धू के वीडियोस हैं, लास्ट वीडियो जो उन्होंने फेसबुक पे अपलोड किया था
जहां पे उन्होंने कहा था कि बड़े नामों का वो ऐलान करने वाले, वो वीडियो तक उनकी एक गर्लफ्रेंड ने कैलिफोर्निया से अपलोड किया था। तो इस पूरे मामले को एनआईए सेपरेटली इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो फॉरेन हैंडल्स है जो लगातार किसान आंदोलन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनकी इंक्वायरी के लिए एनआईए कर रही है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार दीप सिद्धू से ये पूछताछ कर रही है जो कौन से बड़े नाम है, क्योंकि दीप सिद्धू ने खुद कहा था कि वो बड़े किसान नेताओं का नाम खुलासा करने वाली है। तो लगातार ये पूछताछ में देखा जाएगा कि मुझे, मुझे अभी भी जानकारी मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर को आगे हमारे साथी ब्रेक भी करेंगे। पंजाब के जीरकपुर से, अगर मैं ठीक हूँ पीसीआर टीम, पंजाब के जीरकपुर से अरेस्ट किया गया है, यानी पंजाब की मूवमेंट, हरियाणा की मूवमेंट, दिल्ली की किस तरह से रही है इसके बारे में सब्यसाची बताएंगे। ये पंजाब में पैदा तो हुआ है लेकिन पंजाब कनेक्शन, हरियाणा कनेक्शन, दिल्ली कनेक्शन, इन तीनों कनेक्शंस के बारे में सब्यसाची क्विक इन्फॉर्मेशन। सभ्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सब्यसाची सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि निशाबंत के पास एक क्विक रिस्पांस के लिए जाना चाहिए। निशाबंत, 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र और इसके अलावा जो धाराएं लगी हैं, आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मुझे ये बताएं कितना बुरा फंसा आप दीप सिद्धू, पहला तो ये, और जो राजद्रोह की भी धारा लगी थी, अगर इसकी जद में आ गया तो फिर आगे कितनी परेशानी दीप सिद्धू को होने जा रही है? जी जी राशि, देखिए 26 जनवरी की हिंसा के बाद में जो है वो 45 केसेस जो हैं वो सामने, 45 एफआईआर हैं जो वो सामने आई हैं और ऑलमोस्ट 14 जो क्राइम ब्रांच एजेंसीज हैं वो उन पे जांच कर रही हैं। पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे थे अरेस्ट करने के लिए और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो जांच मैं मानती हूँ कि अभी भी चल रही है, वो अभी जांच पूरी तरीके, पर्याप्त जांच नहीं हो पाई है, वो अभी भी एक प्रोसेस है जो उसका, वो अभी भी कंटिन्यू है और सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है। और जहां तक कि दीप सिद्धू की बात है, उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो 25 सितंबर के बाद में सामने आया, जब उन्होंने ट्वीट करने शुरू किए, जब उन्होंने धरना देने के बाद किसानों के समर्थन में करने की शुरू करी और जो स्थायी तौर पर जो धरना दे रहे थे, जैसे कि आपने भी बताया कि उनका किसी किसानों ने भी समर्थन नहीं किया है और उन्हें एजेंट भी बताया, उन्हें आरएसएस का और बीजेपी का एजेंट भी बताया गया है। जो अब धाराएं जो उनके सामने आई है वो 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें 2 साल की सजा है और किसी भी पुलिस अथॉरिटी को या लीगल अथॉरिटी को ड्यूटीज करने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए जो 353 की धारा है उसके अंदर भी उनको सजा हो सकती है। जो पर सबसे जो मेन मुद्दा है वो है सिडिशन का, जिसको हम 124 धारा आईपीसी के तहत 124B के तहत जो सामने आता है, जो कि सबसे ग्रेव और सीरियस ऑफेंस है जिसके अंडर उनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। क्योंकि मेन डिबेट पर हम आते हैं, क्योंकि ये डिबेट हमें आंदोलन जीवियों के बारे में बात करनी थी, वही आंदोलन जीवी जिन्हें लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में इस तरह के हथियार चलाए थे कि विपक्ष भी चारों खाने चित हो गया था। और आंदोलन जीवियों के साथ कई लोगों ने श्रमजीवी, कईयों ने परजीवी भी अपने आप को जोड़ लिया, लेकिन आंदोलन जीवी पर अभी भी घमासान है। लेकिन सरकार ये कहती है, सरकार का स्टैंड क्लियर है, तो आंदोलन जीवियों पर किसकी नजर है? ये आंदोलन जीवी पर कितना संग्राम पिछले 24 घंटे में मचा है और आंदोलन जीवियों के साथ में एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हाँ, हर किसी को आज इंतजार है, कल राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 75 मिनट बोले, 75 मिनट में कभी तंज कसा, कभी चुटीले अंदाज में बोले, कभी बहुत ही हल्की फुल्की मुस्कान के साथ अपनी बड़ी बातें कह गए, लेकिन हाँ, उन बड़ी बातों में निशाने पर संपूर्ण विपक्ष रहा। लेकिन आज राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या जवाब देंगे? इस बीच 46 दिन का किसान संग्राम हो गया है, क्या अब होगा आर पार और अंजाम आर पार का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और इन सभी खबरों के बीच आंदोलन जीवी पर लड़ाई है, विपक्ष ने कर दी चढ़ाई है, संसद में घमासान है, सड़क तक संग्राम है और संग्राम को लेकर के जो आज की खबर है, किसान आंदोलन के 76 दिन पूरे हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की आज महापंचायत होने वाली है, महापंचायत के जरिए आंदोलन को धार देंगे राकेश टिकैत। राजस्थान के बयाना में भी किसान महापंचायत है, सचिन पायलट भी महापंचायत में शामिल होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। अगली बड़ी खबर, आंदोलन तेज करने के लिए किसान कर सकते हैं बड़ा फैसला, किसान कई राज्यों में कर सकते हैं असहयोग आंदोलन, 3 राज्यों में फल सब्जी की सप्लाई रोक सकते हैं किसान, सरकार पर दबाव बनाने के लिए दूध सप्लाई भी रोक सकते हैं ये किसान। किसान का यह कहना है कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे ठीक उसी तरह से जैसा
आजादी के मतवालों ने चलाया था ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन अब यह फैसला क्यों किया गया है? आंदोलनजीवी पर घमासान क्यों है? एमएसपी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात कही थी और आंदोलन खत्म करने का जब आह्वान किया तब से लेकर के अभी तक विपक्ष को कितने तीर लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, किसान आंदोलन से किसान कहां पर गुम हो गया है? डिबेट को हम करेंगे ओपन, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की तीन बड़ी बातें एक बार फिर सुने। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। आंदोलन जीवी, मैं जानता हूं आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी, गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी हूं। आंदोलन भोगी तो आप जानते होंगे ना, जो एक बार आंदोलन करते हैं जिंदगी भर बैठ के उसकी मलाई चाटते हैं। उनकी सोच क्या है वो नहीं कहना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो समाज के लिए आंदोलन करते हैं। क्या महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे? क्या जो देश में और लोग आए उन्होंने आंदोलन करे वे आंदोलन जीवी थे? क्या जब राम मंदिर पे लोग गए अटल बिहारी वाजपेयी वे आंदोलक जीवी थे? या जितने लोग जेलों में गए वे आंदोलक जीवी थे? क्या आडवाणी जी आंदोलक जीवी थे? तो पहले अगर वे थे तो इस आंदोलन में भी हैं। वो बताना पड़ेगा कि जो देश में क्या सरदार भगत सिंह आंदोलन जीवी थे? उन्होंने आंदोलन करे हैं देश की आजादी में, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं, तो उनको आंदोलन जीवी कहा गया। ये आंदोलन जीवियों पर आखिरकार कितना संग्राम है और संग्राम के बीच में ये जो घमासान है और विपक्षियों ने क्या ये माना जाए कि एक स्ट्रैटेजी के तहत इस शब्द को अपने हाथ में ले लिया है? क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री आंदोलन जीवियों को परजीवियों के साथ यानी पैरासाइट के साथ में जोड़ करके देखना चाहते हैं? परजीवी का मतलब ये होता है जो किसी भी दूसरे जीवित, चाहे वो इंसान है या कोई जानवर है, उसके जरिए अपनी अपनी जिंदगी को बना करके रखता है, चाहे खून चूस करके या किसी और भी तरीके से। जैसे जोंक को कहते हैं परजीवी, अमीबा इसे कहते हैं परजीवी, केचुआ इसे कहते हैं परजीवी, यानी दूसरों पर आश्रित। क्या आंदोलन जीवी और परजीवी के बीच में विपक्ष ने अपने लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ली है क्या? डिबेट को ओपन कर देते हैं। जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विजय खेरा है मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दीपक झा राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ में हैं, विजय तालान प्रवक्ता हैं बीकेयू के, और सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय तालान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है, क्या उसे भी रिहा करने की मांग आप, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरनाम चढ़ूनी उग्राहा जी, क्या ये कहेंगे कि वो भी आंदोलनकारी है? क्या वो कहेंगे, आप लोग ये भी कहेंगे कि उसने भी संघर्ष किया है और इसीलिए उसे भी आजाद किया जाए, जैसे बाकियों के लिए बोलना है कि जितने बवाली हैं उन्हें आजाद कर दीजिए? ये सत्ता पक्ष का जवाब सवाल है या आपका?
लेकिन कभी भी ये जर्नलिस्ट का सवाल है, मेरा सत्ता पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मैं समझ नहीं पाता मैं सवाल करूं तो भाजपा ही कैसे हो जाता हूं। मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा कि आप भाजपा ही हैं, मैंने तो कहा है कि ये सत्ता पक्ष का जवाब है, कोई सत्ता का आदमी बैठा हो वो सवाल कर रहा हो तो सुन लीजिए, मैं बताना चाहूंगा राशिद जी, ये कभी भी भारतीय किसान मोर्चे ने, संघ ने, भारतीय किसान यूनियन ने, माननीय राकेश टिकैत जी ने, सलूनी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं। आप उनका इतिहास उठाइएगा, और जब से 26 तारीख से राकेश जी ने कहा था कि एक आदमी ने पूरे संगठन को बर्बाद करने का काम किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसने देश की आन बान शान पर जो बट्टा लगाया है वो कानून के तहत जो सजा का हकदार है उसे मिलनी चाहिए। अच्छा? उसके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है जी। आपकी संवेदनाएं नहीं है, लेकिन आप कटघरे में तो खड़ा कर रहे थे ना, आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को ये कह रहे थे ना, बार बार ये कहा जाता था दीप सिद्धू, आप लोग बीजेपी का एजेंट कहते थे, दीप सिद्धू आरएसएस का एजेंट कहते थे, अब तो आप लोगों की जबान बंद हो जाएगी ना। तो आज भी कहते हैं, हम तो आज भी कहते हैं, वो प्री प्लान के तहत था, षड्यंत्र के तहत था, हम तो आज भी कह रहे हैं वो कम हटे हैं वहां से। हाँ भाई, ये तो आज भी कह रहे हैं हम तो। हाँ आप मना कब कर रहे हैं हम कि वो आज नहीं था? डॉक्टर विजय खेरा, दीप सिद्धू अरेस्ट हो गया है, बाकियों का क्या, बाकी सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे? मोदी सरकार का हर काम विधिक और कानूनी रूप से होता है, जब तक हम तह तक नहीं पहुंच जाएंगे उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। पुलिस पर कभी दबाव सरकार डालती नहीं है, इस सिस्टम में है, पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, टेलीविजन पर इतने सारे प्रमाण मिल चुके हैं, इतने सारे वीडियो तक आ चुके हैं, लोग देख चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हाँ। कि कौन क्या कर रहा है, क्या खालिस्तान के नारे नहीं लगे, क्या महात्मा गांधी को गाली नहीं दी गई? हाँ। मोदी को दी गाली, ठीक है आप देते रहिए, कोई बात नहीं, क्या ये सब हुआ नहीं, क्या पोस्टर नहीं लगे, क्या लाल किले पर ये लोग नहीं चढ़े? फिर ये कहते हैं शुद्ध किसान आंदोलन है, किस मुंह से कहते हैं ये? हाँ। ये तो हुई एक बात, जहां तक सवाल है एक्शन का, जिसने बिल्कुल वाजिब है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? सवाल ये, आप देखिए विदेशों तक से बैठ के लोग इतना ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, ये कह रही है समस्त देश, ये कह रहे हैं कि भारत के लिए एक अच्छा ये प्रस्ताव है, जो समझ रहे हैं इस चीज को, कृषि विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन इनका जो राजनीतिक दबाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, यानी स्विट्जरलैंड से बर्ग बोल रहे हैं, वहां से रियाना जी बोल रही है, और जब अगर सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, लता मंगेशकर बोलती है, तो कहते हैं इनको गुमराह किया गया है। जरा देखिए इन लोगों की बातचीत देखिए, यानी अगर कोई पक्ष में बोलता है समझदार आदमी तो इनकी नजर में बेवकूफ हो जाता है एकदम से एक मिनट के अंदर। हाँ। और जहां तक सवाल है इनके डिमांड्स का, तीनों ही फुलफिल हो गई है, अगर आप समय दे तो एक सेकंड में ही मैं बता सकता हूँ तीनों। तो एमएसपी पे आप जिस तरह संतुष्ट हो रहे हैं, सरकार तैयार है, अब आप उसके बाद कहते हैं बिल वापस लो, बिल क्यों वापस लेंगे? हाँ। आपकी जो डिमांड समस्याएं हैं वो मानने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, ये वही बात है जो पिछले 76 दिनों से सरकार कह रही है, लेकिन किसान सुनने को राजी नहीं है। एक काम करते हैं, दीपक झा के पास में चलते हैं। दीपक झा, आप क्या हैं, आंदोलन जीवी हैं या फिर नहीं, मेरा पहला सवाल है। और दूसरा ये बताएं, परिवार की शादी में नाराज फूफी जैसे आप हैं या फिर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप जैसे लोगों की तरफ इशारा किया था, मैथिली शरण गुप्त की कविता भी सुनाई थी और यह भी कहा था कि कई आंदोलनजीवी किस्म की प्रजातियां भी डेवलप होने लगी हैं, आप क्या हैं? राशिद भाई, मैं लूंगा आपसे प्लीज, देखिए मैं गीता को मानता हूं, भगवान कृष्ण को मानता हूं, और भगवान कृष्ण ने कहा था अन्नाद भवंत भूतानि पर्जन्यादन, अन्न से हम सब भूतों की भूत इन द सेंस होता है प्राणियों की उत्पत्ति होती है, तो हम तो इस प्रकृति के लिए परजीवी हैं, हम प्रकृति परजीवी हैं। गीता में ये भी कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिन् भवति भारत अभ्युद्धानम अधर्मस्य तदात्मानम् सुजामि अहम्, ये भी कहा। हाँ, ये भी कहा गया गीता में। ये क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि अगर किसानों के नाम का जो कर्मयुद्ध है और इसमें कर्मयुद्ध में असल में आप लोगों का धर्म क्या है, ये क्यों नहीं समझ में आता है? आंदोलन जीवी क्यों बन जाते हैं आप लोग? अब मैं बताता हूँ, शादी की नाराज कोट अनकोट फूफी जैसा व्यवहार क्यों करते हैं आप लोग? राशिद भाई थोड़ा धैर्य रखिए, आप इतने महान और श्रेष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को गरीब आदमी को 2 मिनट तो दे दें बोलने के लिए, भैया थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम कर लीजिए, बाकी जो मर्जी आप बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, बोलूं सर? प्लीज बोलें। देखिए मोदी जी बड़े मासूम और नादान हैं,
इनको देश का इतिहास नहीं पता। लोक नारायण जयप्रकाश ने भी आंदोलन किया था, महात्मा गांधी ने भी किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी आंदोलन किया था, मोदी जी तो पता नहीं कहां गंगा से निकल के आए हैं, देव पुरुष साक्षात वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो धरती पे पैदा हो गए हैं कहीं से, मतलब साक्षात भगवान का स्वरूप है, भक्त लोगों के लिए वो भगवान है। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी क्या भिजवाते थे, नरेंद्र मोदी जी करते थे मनमोहन सिंह के खिलाफ, वो शायद धरना प्रदर्शन नहीं था। तो नरेंद्र मोदी आंदोलनकारी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही हैं, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जी। दो चीजें होती है ना, आंदोलनकारी वो होता है जो कि संघर्ष करता है, आंदोलन जीवी वो होता है जो एक ही शख्स होता है और हर एक मंच पर नजर आ जाएगा। सीए के खिलाफ चलो ठीक है इसे ले लो, एनआरसी के खिलाफ ये चेहरा इसे ले लो, अन्ना आंदोलन के वक्त में वही चेहरा आपको नजर आएगा, किसान आंदोलन के वक्त में वही चेहरा आपको नजर आएगा, एनआरसी की बात होगी वही चेहरा आपको नजर आएगा, किसी भी तरह का आप आंदोलन करा लीजिए, लोकपाल वाला आंदोलन, वही चेहरा एक नजर आएगा। तो क्यों नहीं यह माना जाए कि आंदोलन के नाम पर कई लोग ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं और इन्हीं को कटघरे में खड़ा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यही एक वजह है कि आप जैसे लोगों को मिर्ची लग रही है, और मिर्ची लग रही है एफडीआई जैसे शब्दों पर भी। क्यों सचिन भल्ला, एफडीआई फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। मंत्री आधे दर्जन मंत्री अन्ना हजारे और रामदेव के मंच पे दिखते थे, जब अन्ना हजारे और रामदेव कहते थे हमारे मंच पे कोई नेता नहीं आएगा, इन्हीं भाजपा के लोग, यही भाजपा के ओके ठीक है, यही भाजपा के चाटुकार जनरल वीके सिंह जैसे लोग। एक बात बताएं सचिन भल्ला एक बात बताएं, आंदोलन के नाम पर भी किसी की दुकान चलती है क्या? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं कि भैया अभी दुकान बंद है, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, सीजन आना चाहिए, दुकान तभी चलेगी जब आंदोलन होगा? क्या इस तरह से भी दुकानें चला करती हैं? सर इस देश में सब कुछ होना संभव है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और आज आपने बोला आंदोलन जीवी में आप बीजेपी के कई ऐसे सांसद देख लोगे जिन्होंने कभी सास भी कभी बहू थी और आज बहू सांसद है, तो उसने कभी गले में प्याज डाल के प्याज के लिए आंदोलन किया। एक्ट्रेस अगर केंद्रीय मंत्री बन जाए तो मिर्ची लगती है क्या सचिन भल्ला? एक एक्ट्रेस अगर केंद्रीय मंत्री बन जाए तो मिर्ची लगती है क्या? एक महिला अगर आगे बढ़ती है तो मिर्ची लगती है क्या? ऐसा लगता है कि परम पराक्रमी परम वैभवी सचिन भल्ला इनकी आत्मसत्ता जो है हिल गई, एक महिला को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते आप लोग? क्यों महिला को नहीं, आपने आंदोलनकारी की बात करी, आंदोलनकारी ही रहता है, वो किसी भी दुख में हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन आंदोलनकारी मलाईधारी जब बनते हैं तो वो आपने देखा है। आशीष सिन्हा रुक जाइए आप, सचिन भल्ला दोबारा आपके पास में आता हूं, आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष मुझे ये बताएं कि ये दीप सिद्धू जो अरेस्ट हुआ है इसके कितने कनेक्शंस रहे हैं? पंजाब के जीरकपुर से अरेस्ट हुआ है तो फिर 26 जनवरी से लेकर के अभी तक कहां कहां पर रहा, कितने लोगों ने इसे श्रेय दी है और अंत तक कितनों के साथ में ये पॉलिटिकल कनेक्शन में रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए राशि, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने की है। दरअसल 26 जनवरी को जब ये घटना हुई थी उसके बाद से वहां पर यानी लाल किला पर उस समय दीप सिद्धू मौजूद था और वहां से बाइक से निकल पड़ा। जो टीम ने इसे गिरफ्तार किया है उसके डीसीपी के मुताबिक इसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो हरियाणा थी और वो 26 जनवरी की रात यानी रात में 12 बजे के करीब, उसके बाद से वो ट्रैक में नहीं आ रहा था, लगातार वीडियोस बना रहा था जिसको दिल्ली पुलिस ने ट्रैक किया तो पता चला कि कनाडा में रहने वाली इसकी महिला मित्र जो है वो इन वीडियो को पोस्ट करती है। अब दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी थी कि इसे ट्रैक कैसे किया जाए क्योंकि इसका जो मोबाइल फोन था वो स्विच ऑफ था, ऐसे में लोकेशन ट्रैक करना इसका पॉसिबल नहीं था। दूसरी सबसे अहम बात, जो ये वीडियोस बनाता था ये दूसरे के मोबाइल से वीडियोस बनाता था और अपनी महिला मित्र को सेंड करता था। दिल्ली पुलिस ये कह रही है स्पेशल सेल जो है कि इसे कल देर रात गिरफ्तार किया गया है जिकरपुर से जो हरियाणा जो पंजाब में है। दरअसल काफी समय से पंजाब में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो दबिश दे रही है। आज दिल्ली पुलिस दोपहर 12 बजे खुलासा करेगी और ये बताएगी कि आखिर 26 जनवरी से लेकर आज तक ये दीप सिद्धू जो था वो कहां कहां था, किस किस ने इसकी मदद की। आज कई सारे जो चेहरे होंगे वो उम्मीद यही है कि बेनकाब होंगे दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच द्वारा, क्योंकि ये केवल दीप सिद्धू का माइंड नहीं हो सकता कि इतने बड़े घटना को यानी इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दे देना
क्या इसके पीछे कोई और भी था। इन सारे सवालों का जवाब लेकर दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आशीष ने कई ब्रेकिंग न्यूज दी है। आशीष ने यह बताया कि 26 जनवरी के बाद से ही मोबाइल फोन लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। हरियाणा में लोकेशन का पता चला था। आशीष सिन्हा ने हमें यह बताया कि 12 बजे दिल्ली पुलिस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आशीष मेरे वो सीनियर कोलीग हैं जिन्होंने 26 जनवरी लाल किला कांड पर इस देश के जितने बड़े एक्सपोजे हैं ये आशीष सिन्हा के जरिए इंडिया न्यूज पर आपने देखा है। पल पल मिनट टू मिनट किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई ये भी पिछले दिनों आशीष ने बताया था और आशीष लगातार ट्रेस कर रहे थे कि दीप सिद्धू कितनी जल्दी मिल जाए और आशीष ही वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। आशीष दोबारा आपके पास में मैं आता हूं। एक बार के लिए हम चलते हैं विजय तलान जी के पास में। विजय तलान जी, दीप सिद्धू अरेस्ट हो गया, आपको लगता नहीं? जितने भी देशद्रोही हैं उन्हें अरेस्ट होना चाहिए, जितने भी भड़काऊ बयान देने वाले लोग हैं वो भी अरेस्ट होने चाहिए, जैसे राकेश टिकैत जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया, उग्राहा जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया, डॉक्टर दर्शन पाल जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया, शिव कुमार कक्का जैसे, क्या ये सभी अरेस्ट होने चाहिए या नहीं? विजय तलान जी चलिए विजय तलान जी के पास में हम चलेंगे। लेकिन ऋषभंत एक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि लीगली आप हमें बहुत गाइड करते हुए लेकर के चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे पहले कृषि मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, भाई आप ये देखिए कि एमएसपी पर गारंटी आपको हम देंगे। राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि एमएसपी पर गारंटी मिलेगी। फिर भी ये जो जिद है, जिद के बीच की जो महीन लकीर है कि राज्यसभा से गारंटी मानेंगे नहीं, लीगल गारंटी हम मान जाएंगे, इसे किस तरीके से आप देखती हैं? जी, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसे समय के साथ में अमेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो कोई भी कानून अगर हम उसको लेकर आते हैं तो वो समय के साथ में अमेंड किया जा सकता है। और अगर एमएसपी आज अगर लागू कर भी दी गई और अगर एक्ट में लीगलाइज कर भी दी गई तो ऐसा नहीं है कि सरकार के बदलते या कोई नई सरकार के आते हुए वो उसको चेंजेस इंट्रोड्यूस करके उसे अमेंड नहीं कर सकते। तो उसे कल को भी अमेंड किया जा सकता है। तो ये एक परमानेंट पोजीशन जो हम सोचते हैं कि हम इसकी एक बारी इसे इश्यू करा के हम इसकी परमानेंट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं नहीं मानती हूं कि उसकी परमानेंट पोजीशन हमेशा के लिए क्रिएट किया जा सकती है। उसे टाइम टू टाइम पर अमेंड किया जा सकता है। और बात है सिर्फ एक भरोसे की। अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ संसद में खड़े होकर कोई एक बात बोल रहे हैं कि वो उसे एमएसपी को चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसे अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, उसे लाने के लिए तैयार हैं, और एक ये चर्चा हमेशा रह सकती है, तो मैं नहीं मानती। अभी जैसे पूरा भारत इस पे नजर टिकाए हुए है किसानों के आंदोलन पे, और इंटरनेशनल नजरें भी इस पे टिकी हैं, कई ट्वीट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल, जैसे कि हमने सभी ने देखा है। तो संसद में खड़े होकर ऐसी बात कह देना राशिद, मैं नहीं मानती कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बात कर रहे हैं तो उसकी जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रही है ना, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, इसे लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास में हमें जाना चाहिए। डॉक्टर विजय खैरा, ये विश्वसनीयता क्यों नहीं पा रही है जिसका जिक्र अभी निशाबंत कर रही थी, देश की जानी मानी लॉयर है। निशाबंत का ये कहना था कि विश्वसनीयता आ जाने की बात है और क्यों नहीं आ पा रही है, ये मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोले विश्वास नहीं, गृह मंत्री बोले विश्वास नहीं, कृषि मंत्री बोले विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री बोले विश्वास नहीं, एमओएस कॉमर्स इंडस्ट्री 12-12 बार बोले लेकिन भरोसा नहीं, ये भरोसा क्यों नहीं? नहीं, वो एक बात तय करके चले हैं कि हमको ये मानना ही नहीं है। हाँ। नहीं तो अभी जैसे राज्यसभा में आश्वासन दिया या लोकसभा में कोई भी आश्वासन किसी भी मंत्री के द्वारा, राशिद भाई मैं एक बात बोलता हूँ, एक ये बंधन है क्योंकि पार्लियामेंट में आश्वासन समिति भी होती है और हमेशा उसका अपोजिशन यानी विरोधी अध्यक्ष होता है। हाँ। आप कभी भी उसको अगर आश्वासन समिति में भी लगा दिए, दीपक जी प्रज्वलित हो जाइए, बोले ये प्रधानमंत्री का संसद में दिया गया बयान, दीपक जी प्रज्वलित भी हो जाइए, प्रस्फुटित भी हो जाइए, दीपक जी बोले बावजूद भी इसके बावजूद अभी एक सेकंड बोल लीजिएगा, बाद में बोल लीजिएगा आपका आएगा नंबर, इसके बावजूद भी जैसे किसानों की तसल्ली होती है एमएसपी के लिए, उसके लिए तैयार है। दूसरी बात, दूसरा कानून था इनका आवश्यक वस्तु वाला, उस बता दें जब इतना सरप्लस अनाज है इस समय 260 लाख टन तो धानी सरप्लस है हमारे पास, 8 लाख तो चीनी टन हमारे पास सरप्लस है, हर चीज है, तो उसकी कोई आवश्यकता एक सेकेंड साहब
तीसरी न्यायिक प्रक्रिया की बात इन्होंने की। तीनों में तैयार है, न्यायिक प्रक्रिया में तैयार है। आप तो मोदी जी से भी ज्यादा बोल रहे हैं, मोदी जी से भी अच्छा बोलते हैं, मोदी जी से अच्छा बोलेंगे तकलीफ हो जाएगी। आप थोड़ा सा शांति धैर्य रखिए। अच्छा, आप बोल रहे थे, मैं समझा नहीं कि कौन बोल रहा है, समझ में नहीं आया। वहां से कोई दूसरे हमारे विरोधी दल के बोल रहे, इसलिए उनको समझा रहा था मैं। और दूसरा ये बार बार कह रहे आंदोलन। दीपक जी आप बोल सकते हैं, आपके पास बिल्कुल खुला मंच है, बोले। राशिद भाई, मेरा ये कहने का मतलब है, श्रीमान जी ने अभी कहा संसद भवन में खड़े होकर मोदी जी ने कहा आश्वासन दिया, बड़ी अच्छी बात है। यही संसद भवन है भारत का, जहां पे गृह मंत्री खड़े होकर बयान देते हैं भारत में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। और यही नेता मंत्री भाजपा के सांसद सड़कों पे आके चुनावी रैलियों में आके हर व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े गैंग करा देते हैं। तो विरोधाभासी बातें जो है ये भाजपा के लोग, सरकार के लोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, और इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही सुंदर कविता भी सुनाई थी, अगर आपको याद हो। अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। लेकिन आंखें विपक्ष की क्यों नहीं खुल पा रही? और हां, क्यों ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में टूट पार्ट टू हो गया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आंदोलन जीवी की लड़ाई है, लेकिन विपक्ष की कितनी चढ़ाई है आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, गाजीपुर समेत दिल्ली की कई सीमाएं सील कर दी गई हैं, ट्रैफिक रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। यूपी से दिल्ली आने वालों के लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद है। आंदोलन को लेकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही पूरी तरह अलर्ट हैं, और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद इस तरह का अलर्ट रखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे लेकर के कोई भी ऐसा असामाजिक या अराजक तत्व हो जो रिटालिएट करने की कोशिश करे, और इसीलिए पहले से ही अलर्ट और अटेंटिव दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच किसान आंदोलन में कितनी फूट पड़ चुकी है यह भी आपके लिए देखना जरूरी है। किसान आंदोलन में आपको याद होगा पहली फूट पड़ी थी जब शिव कुमार कक्का और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जब आमने सामने आए थे, लेकिन अब जो फूट पड़ी है ना, इसमें डॉक्टर दर्शन पाल और राकेश टिकैत आमने सामने आ गए हैं। कहा यह जा रहा है डॉक्टर दर्शन पाल ये चाहते थे कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली यहां पर भी चक्का जाम किया जाए, जो तीन दिन पहले हुआ है। लेकिन राकेश टिकैत ने यह कह दिया था कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इसे लेकर के दर्शन पाल नाराज हैं, यह अंदर की खबर है। और इससे पहले आपको याद होगा शिव कुमार कक्का बनाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी की लड़ाई क्या थी, कैसे दोनों के बीच ही शब्दवार चला था। लेकिन इतने दिनों में किसान की लड़ाई और विपक्ष की चढ़ाई कैसे हुई है, यह भी आप समझने की कोशिश करें। शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी ना कि किसान आंदोलन से किसान गुम क्यों नजर आ रहा है। अगर कोई दिखता है, संजय राव शिवसेना के नेता, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जयंत चौधरी आरएलडी के नेता, कभी शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल पहुंच जाती हैं, कहती हैं ये बॉर्डर नहीं जेल नजर आ रहा है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता ममता बनर्जी का संदेशा लेकर के आ जाते हैं। अगर कोई नजर नहीं आ रहा तो फिर किसान क्या ये माना जाए, किसान बैकफुट पर चले गए हैं, क्या ये माना जाए कि किसान नेपथ्य में चले गए हैं, क्या ये माना जाए कि किसान को नेपथ्य में ढकेल दिया गया है। विजय तलान मेरे साथ में है क्या, विजय तलान, बीकेयू प्रवक्ता विजय तलान के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। विजय तलान जी, किसान आंदोलन में जितने मैंने बड़े नाम कहे ये तो नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में अब किसान बहुत पीछे छूटा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? आंखें खोल लीजिए, अपने कैमरा भेजिए, और लाखों की भीड़ हो जहाँ होती है ना वहाँ देखिएगा, लगाई जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लाख से कम भीड़ नहीं है, ऊंची ज्यादा ही भीड़ होती है। गाजीपुर बॉर्डर देखिए, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हो ना, उन लोगों का नाम लेकर के विवेक को भटकाइएगा मत। और अच्छा, जो भ्रम एक मिनट आप जो, अरे सुनिए ना विजय तलान जी, अरे इतना गुस्सा क्यों करना भाई, इतना गुस्सा क्यों करना, मैं कितना विनम्र हूँ आपके साथ में, आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे मेहमान हैं, मेहमान भगवान समान होता है। आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों का नाम लेकर के मैं डिबेट को भटकाऊ, मैं आपसे ही अगला सवाल कर रहा हूँ। सुने सविनय, मेरा निवेदन है, मेरी बात सुने आप, क्या संजय राउत नहीं गए, क्या अरविंद केजरीवाल नहीं गए, क्या सिसोदिया नहीं गए, क्या चौधरी अजीत सिंह के बेटे यानी जयंत चौधरी नहीं गए, क्या हरसिमरत कौर नहीं गई, क्या कनीमोई नहीं गई, क्या बड़े बड़े नेता नहीं गए, क्या मैंने इसे तस्वीर दिखा दी है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या गए हैं या नहीं गए? मंच दिया क्या, माइक दिया क्या, वो जो जा रहे हैं उनका कैमरा तो दिया, कैमरा लेंस तो दिया, फुटेज तो दी। एक मिनट दीपक भाई रुकिए, विजय तलान जी ही बोलेंगे, विजय तलान जी बोलते रहे।
राशिद जी बात बात सुन लीजिएगा, मेरे भाजपा के मित्र ने कहा था कि गांधी जी को गाली दी जाती है, गांधी जी को मारा भी जाता है, किसने मारा सर देता है, उस पर डिबेट नहीं होती है, उसका नाम नहीं लिया जाता है, और जो गाली देता है उसका नाम लेते हैं कि गाली दी जाती है। अरे भाई, जिस तरह से श्रम जो हमको पर्ची भी कहा गया है, आंदोलन जी भी कहा गया है, इन्होंने आंदोलन से उठे हुए लोग नहीं है क्या ये? अभी राकेश जी ने जो बताया था भाई, अन्ना आंदोलन देख लीजिए, अन्ना आंदोलन में किस किस को फायदा हुआ? भाजपा को हुआ, केजरीवाल को हुआ, दो लोगों को फायदा हुआ। और ये जो राम मंदिर निर्माण का इनका जो चल रहा था राम मंदिर का आंदोलन से किसको फायदा हुआ? वो जो भोग रहे हैं आज, आंदोलन करते हैं आडवाणी जी, और भोगता है कोई और। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किसानों के लिए, एक शब्द भी 77 मिनट के भाषण में ये नहीं कहा गया, जो 200 किसानों के जो मौत हुई है, संवेदना व्यक्त नहीं की गई माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये हंस करके उन्हें हंस करके वो फांस बढ़ाया गया है। विजय जी, विजय जी, सचिन भल्ला मेरा इंतजार कर रहा है, विजय जी सचिन भल्ला मेरा इंतजार कर रहा है। सचिन भल्ला, आप राजनीतिक विशेषक हैं, और इसीलिए एक बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 1971 में चौधरी चरण सिंह ने कहा था 33% किसानों के पास 2 बीघा से कम जमीन है, 18% के पास 2 से 4 बीघा जमीन है, 51% किसानों का गुजर बसर जमीन से हो नहीं सकता, और आज देश में ऐसे किसानों की तादाद बढ़ी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर इन्हें 76-76 दिन आंदोलन पर बिछा लिया जाएगा, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा? ये सवाल कोई क्यों नहीं सोचता? देखिए, ये एक 76 दिन की बात नहीं है या 100 दिन की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की बात है। जो ये काला कानून ये इनके ऊपर मर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनके भविष्य क्या है, इनके बच्चों का भविष्य क्या है, इसलिए ये 76 दिन को नहीं देख रहे। अच्छा। ये भूखे प्यासे इसलिए बैठे हैं, ठंड प्यास में इसलिए बैठे हैं कि इस कानून को वापिस लें। और आपने कहा, मेरी बहन ने भी बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने जाके बोला उनके ऊपर यकीन करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला था कि काला कानून काले जो पैसे हैं जो बाहर गए हैं 15-15 लाख रुपए हर बंदे के उसके आएंगे बैंक के अंदर, अच्छे दिनों का वादा किया, कहां चले गए? सचिन भल्ला, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, सचिन भल्ला मैं किसान की बात कर रहा हूँ, कहां चले गए आप? ये 15 लाख पे कहां से चले गए आप? मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, 15 लाख पे चले गए, क्या बात करते हैं आप? रुकिए रुकिए, मैं एक अपील करना चाहूंगा किसानों से, जिद की बेड़ी तोड़ो, बॉर्डर तो छोड़ो। और यही बताने के लिए, यही कहने के लिए कितनी जिद अभी तक किसान की है, यह भी देखना और दिखाना बहुत जरूरी है कि 76 दिन में भारत ने कितनी जिद देखी है। दिल्ली पुलिस के मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं है, कमेटी में जाने से इनकार कर दिया, सरकार से जिद पर अभी भी अड़े हैं, ट्रैक्टर मार्च की जिद ठान करके रखी थी, उसका अंजाम क्या हुआ पूरे देश ने देखा, एमएसपी पर कानूनी जिद है, कहते हैं हां या ना में जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री की मानते नहीं, भले ही राज्यसभा में आकर के कह दें विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, फिर भी भड़काऊ बयान देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अब कटघरे में किसान आंदोलन क्यों आ गया है इतने विवाद के बाद? यह भी आप देख लें, 26 जनवरी कांड क्या हुआ, देश के लिए किस तरह की नजीर पेश की गई, शायद दोहराने की जरूरत नहीं। खालिस्तानी साजिश, एसएफजी और कनाडा का एंगल किस तरह से आया, टूलकिट टेरर के नाम पर ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के रिहाना, मियां खलीफा से लेकर के बाकी और जितने लोग जो भारत को समझते नहीं, भारत के किसानों की समस्या को समझते नहीं, उन्होंने भी बोला, शर्जील इमाम के पोस्टर लहराए गए, और इसके अलावा बॉर्डर बवाल अभी भी हो रखा है, यानी सिंगू से लेकर के टिकरी और गाजीपुर से लेकर के और बाकी कितने बॉर्डर्स पर बवाल हो रहा है, अब आप ये देखें कितने बॉर्डर्स को हाईजैक करके रखा गया है 76 दिन से। क्यों हम इसे सिर्फ आंदोलन कहें, क्यों नहीं ये हम कहें कि आंदोलन के नाम पर बॉर्डर को हाईजैक किया गया है? अगला इंफोग्राफिक आपको यही दिखाएगा, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और चंदी बॉर्डर, मंगेश बॉर्डर, सबोली बॉर्डर, पियाऊ और मनियारी बॉर्डर, इतने बॉर्डर हैं जहां पर किसान अभी भी जमे हैं, कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन सभी को हाईजैक कर लेंगे। और इन सभी खबरों के बीच में किसानों ने यह भी कहा है कि एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक महात्मा गांधी की तरह। क्यों कहा है, कब क्यों कहा और कैसे, ये भी जाने आप। किसान नेता आंदोलन को तेज करने के लिए जुट गए हैं, अब असहयोग आंदोलन की जरूरत है, ये डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है। 3 राज्यों से फल सब्जी दूध की सप्लाई रोक सकते हैं किसान, हरियाणा पंजाब यूपी की फल सब्जी रोकेंगे, हरियाणा में अडानी अंबानी के सामान का बॉयकॉट करेंगे। और विजय तलान जी, क्यों नहीं ये कहा जाए कि ये ब्लैकमेलिंग है, अगर आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का फल सब्जी हुक्का पानी सब कुछ बंद करेंगे तो इसे क्यों ना मैं ब्लैकमेलिंग मानूं? विजय तलान जी, 76 दिन से कोई समाधान की स्थिति नहीं बन रही है, और बार बार आप कहते हैं कि मोदी जी की बात का विश्वास नहीं करते, प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुनते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2014 में जब चुनाव था
तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को उसका डेढ़ गुना देंगे। 2015 में हलफनामा दायर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे मानेंगे उनकी बात को, कहां विश्वास करेंगे, क्यों करेंगे? और उन्होंने जो कहा था नीम कोटेड यूरिया हम दे रहे हैं, आप जाइएगा नीम कोटेड यूरिया कहाँ है, आप देखिएगा कि उस पर कोटेड क्या होता है, जब उस पर कोई पर्ट चढ़ाई जाती है तो कोटेड होता है, उस पर एक हरे रंग का केमिकल डाल दिया जाता है, उसे नीम कोटेड यूरिया का नाम दे दिया जाता है। जिस तरह से 16,500 करोड़ किसानों के गन्ने का जो भुगतान था वो सभी को रोकना चाहेंगे।